तो दोस्तों अगर आप लोग राउंड टू हेल का वीडियोस देखते हो तो आप लोगों को पता होगा राउंड टू हेल कोई भी लड़की को नहीं लेते उनके वीडियो में। तो उसी के बारे में राउंड टू हेल को एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप लोग वीडियो में लड़की को क्यों नहीं लेते। तब राउंड टू हेल कुछ ये कहा, बट मुझे सच सच बताओ, बिल्कुल सच बताओ कि दिक्कत क्या है लड़कियों से, क्यों नहीं लेते लड़कियों को वीडियो में। दिक्कत तो नहीं है लेकिन मतलब ऐसे नीड ही नहीं लगती हमें, बट हम लोग लेते हैं बाहर चैनल्स पे लेते हैं। लेकिन अब फैंस को दिक्कत होने लगी, लड़की ले लेती है ना तो उनको थोड़ा सा लगता है कि वही रहो आप, बुरा लगा मतलब। तो मुझे मतलब आपको देखते हैं हम लोग, तो आप ही लोग रहो, जरूरत नहीं है ना आप लोगों को लड़कियों को लेने की। वैसे भी कहां है, अभी तो नहीं, अभी तो नहीं, स्क्रिप्ट के हिसाब से तो जरूरत पड़ती नहीं है। मुझे लगता है लड़कियों को दिक्कत हो जाएगी, अच्छा हमें नहीं। और जब पढ़ती है तो आप लोग खुद ही लड़की बन जाते हो। हाँ, वो तो है ना? और वो मेरे को लगता है आई थिंक यूवर्स को वो चीज बहुत पसंद आती है कहीं ना कहीं आपकी, है ना? मैं अच्छा, खुद भी लड़की बन जाता हूँ। आप खुद भी बन जाते हैं, वही मैं बोल रही हूँ कि आप लोग खुद ही बन जाते हो, आपको लड़कियों को लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन सच बताओ आगे का क्या प्लान है, आगे भी है ऐसा कि लड़कियां कभी नहीं आने वाली राउंड टू हेल की किसी भी वीडियो में? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम देखते हैं फ्यूचर क्या रहता है इसका, है ना, उसी हिसाब से नहीं। अभी कोई ऐसा हम कास्टिंग चल रही है वैसे। कास्टिंग चल रही है गाइस, देखो यहां मैं बैठी हुई हूं, आप लोग कमेंट्स में इनको बोलो कि ये मुझे ही कास्ट कर ले अगली बार। ठीक है, कर लें क्या? ठीक है चलो, कर लेना, बता देना कमेंट में अगर करना हो तो कर, वो हाँ ही बोलेंगे। ठीक है, और हां और क्या बता तो दो, क्या डिमांड है सबसे पहले, क्या डिमांड है? हां चलो, लड़की को आपकी वीडियो में आने के लिए क्या डिमांड है? डिमांड क्या है हमारे, वो चीज आनी चाहिए ना। हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, गालियां बकते हैं, है ना, वो आती हैं। आप सिखा दोगे तो हम सीख लेंगे, एक्टर है तो काम ही है सीखना। नहीं नहीं नहीं, लड़की के साथ गाली कहाँ बकती है। अरे ऐसी बात कर रहे हैं, कुछ जरूरी थोड़ी, कट कर देना।